कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। आज इको गार्डन में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? पहले भी आप लोग काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, आज क्या बात ऐसी हुई कि आपको इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करना पड़ा? मेरा नाम सायमा जमीर और आज ये हम एक संयुक्त बैनर के नीचे यहाँ इकट्ठा हुए हैं जी। और मेन कारण है कि महाराज जी ने 7 जून को हम लोगों को बुलाकर एक वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपका मानदेय डबल कर दूंगा जी। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद आज तक माननीय मुख्यमंत्री की कान पे कोई जुम नहीं रहेगी कि हम बहने कितनी परेशान है, कितनी लाचार है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस विषय में नहीं सोचे। इसी क्रम में उन्होंने फिर हम लोगों को जब हमने धरना प्रदर्शन का नोटिस जारी किया तो फिर उन्होंने इसी क्रम में 27 अगस्त को एक अनुपूरक बजट 1100 करोड़ का पास किया। लेकिन 27 अगस्त से आज 4 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन वो बजट कहाँ गया? योगी जी ने किस मद में वो खर्च किया? जब हमारे मानदेय को डबल करने के लिए उन्होंने वो बजट पास कराया था तो उसको उनको तुरंत जारी कर देना चाहिए था कि हमने आपका मानदेय डबल कर दिया। लेकिन आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो हमने लाचारी और विवशता में हम लोग यहाँ एकत्र हुए और अपनी मांग को मांगने का उनसे हमारा निरंतर प्रयास है। और ये भी बात है कि हम पहले जब इतनी ठंडी, इतने मौसम खराब और डायरेक्टर की धमकी के बाद और योगी जी की धमकी के बाद यहाँ डटे हैं तो आज हमारी संख्या वास्तव में थोड़ी कम है, लेकिन कल हम ये दिखा देंगे कि हम योगी सरकार से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। वो हमारे से है, हम उनसे नहीं हैं। क्या अगर प्रमुख मांगों की बात की जाए तो कौन कौन सी प्रमुख मांग आपकी हैं? हमको पहले सरकारी कर्मचारी का, जो हमारी प्रथम मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तो कम से कम हम लोग को जीने लायक मानदेय कम से कम 18,000 दिया जाए।